अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी सारी फैमिली के साथ एम्पोरियम में एकेडियम कैफे में आया हूँ। मेरे बाबर मामू ने शहर अब्बा के जॉब की हमें एकेडियम में ट्रीट दी है, तो आज हम इधर के मजे मजे के खाने ट्राई करेंगे। सो आज हम सब ने सोचा कि हम सब मिलके एकेडियम कैफे में खाना खाएं। हम सब 7 o'clock यहाँ पहुँचे और बारी बारी सब लोग टेबल पे बैठना शुरू हो गए। काफी दिनों से हमने गेट टुगेदर नहीं किया था, तो आज हम सब आपस में मिलके बहुत खुश हुए और आज सब बच्चे भी बहुत हैप्पी थे एक दूसरे से मिलके। इसके बाद हमने अपना मेन्यू देखा और बहुत मजे मजे की चीजें ऑर्डर की, और मैं आपको बाकी सारे कैफे का भी व्यू दिखाता हूँ। आज संडे नाइट है, तो इस वजह से एम्पोरियम में बहुत ज्यादा रश है और यहाँ भी हाउस फुल हुआ है। सबसे पहले हमारे स्टार्टर्स आए, जिसमें बहुत ही टेस्टी हॉट एंड सॉर सूप था और इसके साथ ड्रमस्टिक्स भी थे जो बहुत टेंडर थे। स्टार्टर्स के बाद हमारा मेन कोर्स आ गया, जिसमें बहुत ही मजे के पिज्जास, नेपोलियन चिकन जो कि बहुत ही टेस्टी था, मंगोलियन बीफ जो कि बहुत ही स्वीट एंड सोर एंड टेस्टी था। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिशेस थी, जैसे कि ऑक्स पोलो चिकन जिसकी सॉस भी बहुत ही यमी थी। इसके अलावा चिकन मंचूरियन, चिकन चाउमीन और भी बहुत ज़्यादा डिशेस थी। हम सब ने मिलकर बहुत सारी बातें की और बच्चों ने भी आपस में बहुत एंजॉय किया। एकेडियन कैफे का एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा है और इनकी सर्विंग और पोर्शन साइज भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ के ड्रिंक्स भी बहुत रिफ्रेशिंग और टेस्टी थी, जिसमें मिंट मार्गरेटा, स्ट्रॉबेरी मेलन मोजिटो, इलेक्ट्रिक लेमोनेड और सीजनल जूसेस भी थे। एकेडियन कैफे का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो थैंक यू सहर आपा एंड बाबर मामू फॉर दिस ट्रीट, और बाबर मामू को हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और इसके बाद हम सब ने ग्रुप फोटोज ली। एम्पोरियम में आजकल हैलोवीन की वजह से हॉन्टेड हाउस बना हुआ है, तो सब बच्चों ने कहा कि हमने भी इस हॉन्टेड हाउस में जाना है। फिर जोहेब भाई और उसामा मामू ने सबके लिए टिकट्स ली और फिर हम सब लोग हॉन्टेड हाउस पर जाने के लिए लाइन में लग गए। एम्पोरियम में हर मंथ न्यू ओकेजन के हिसाब से बहुत अच्छी सी डेकोरेशन लगती है, और इस बार इन्होंने हेलोवीन का एक हॉन्टेड हाउस ही बना दिया। तो मैं आपको यह हॉन्टेड हाउस बाहर से भी दिखाता हूँ। इस हॉन्टेड हाउस पे काफी सारी वेब्स लगी हुई हैं, पम्पकिंस भी हैं, और ये एक ओल्ड वुडन अबैंडन्ड हाउस बनाया हुआ है। अब हमारी अंदर जाने की बारी आ गई है और इसके एंट्रेंस पे बहुत ज्यादा स्पाइडर वेब्स लगी हुई हैं। हॉन्टेड हाउस का डोर खोलते ही एक मम्मी ने हमें सलाम किया और अंदर बुला लिया। हम फर्स्ट रूम में एंटर हुए ही थे तो वहां पे बहुत ज्यादा डिम लाइट्स थी, ज़ॉम्बीज की ड्रोनी ड्रोनी आवाजें आ रही थी और रेड लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिससे फातेह, आरिस और अनम बहुत ज्यादा डर गए और वो रोना शुरू हो गए। तो इसलिए हमने इन तीनों बच्चों को बाहर भेज दिया और साथ साथ हमें और भी ज़ॉम्बीज डरा रहे थे। बच्चों को बाहर भेजते ही दी हॉबिट वाले गोलम जैसे मॉन्स्टर ने हमें एक रूम में बुला लिया और उससे अपने साथ पिक्चर्स लेने का कहा। इसके साथ एक ज़ॉम्बी भी खड़ा हुआ था और ये दोनों मिलके सब इंसानों को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे काफी क्रीपी डेकोरेशन की हुई थी, जैसे कि यहाँ पे स्कल्स थे, स्केलेटन्स थे, फॉसिल्स थे और डेड बॉडीज थी, जिसको स्पाइडर ने अपने वेब से रैप करके उल्टा लटकाया हुआ था। बच्चों के जाने के बाद डोर टिकट्स फ्री हो गई थी, तो अली अबाजी और जोहेब भाई भी अंदर आ गए। इसके बाद हम सेकेंड रूम में गए, यहाँ पे भी इन्होंने ड्रोनिक डेकोरेशन की हुई थी और रेड लाइट्स भी बाबा फ्लिकर कर रही थी। इसके साथ हमें एक मॉन्स्टर भी फॉलो कर रहा था। अब नेक्स्ट रूम की बारी है, जिसका नाम था बायर्स होम, और स्केरी वॉइसेस भी बहुत ऊंची होती जा रही थी।
इसके अलावा यहाँ के सोफे पे एक मॉन्स्टर भी बैठा हुआ था जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के फ्लावर हेड के मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। इसके बाद हम लास्ट रूम में गए जिसका नाम था वेकनास वर्ल्ड। मैं फ्लावर हेड मॉन्स्टर को चुपके से हाथ लगा के भी भागा तो इससे अपना मास्क उतार के देखा कि ये काम किसने किया। लास्ट रूम भी इन्होंने काफी स्केरी सा बनाया हुआ था और इसके बाद हम सब हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल गए। ये बड़ों के लिए तो बिल्कुल स्केरी नहीं था और इससे हम सब काफी एंटरटेन हुए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा स्केरी था। इसके बाद हम एम्पोरियम में थोड़ा सा फेरे और फिर हम सब बेसमेंट में पार्किंग की तरफ चले गए। बेसमेंट में काफी सारी मसाज चेयर्स और मशीन्स भी थी तो हम सब ने मसाज चेयर्स भी ट्राई की। आई होप आपको आज का एम्पोरियम का ट्रिप अच्छा लगा होगा और मुझे तो आर्केडियन कैफे में खाना खा के भी बहुत मजा आया और हेलोवीन हॉन्टेड हाउस में भी हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you.